पुलिस द्वारा 90 साल के बुजुर्ग के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज। मेंड्रापार निवासी 90 वर्षीय वैद्य बाबूलाल ने पुलिस में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी बाबूलाल की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। बाबूलाल का कहना है कि नत्थू उन पर फर्जी तरीके से मनगढ़ंत कहानी रचते हुए छेड़खानी का आरोप लगा रही है, जबकि नत्थू उनके घर में घुसकर नकदी जेवरात और जरूरी कागज उठा ले गई है और अब बाबूलाल को घर से निकाल दिया है। अब बेघर होकर बाबूलाल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन के आला अधिकारी के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन बेबस और लाचार बुजुर्ग को प्रशासन की ओर से निराशा हाथ लग रही है। हालांकि अब लाचार बुजुर्ग को निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद भी उड़ गई है। न्यूज फ्रीडम के लिए संत कबीर नगर से प्रदेश प्रभारी अकबर अली की रिपोर्ट। मामला यह है कि हमारी नतो है, वो लड़का कामजात आशा नाम है, उसका सब कागजात और जेवर सब उठा ले गया, मेरे नाम से छेड़खानी का मुकदमा कायम कर दिया और वकिया का पुलिस मुकदमा कर दिए, हमसे पूछे भी नहीं, उन्हें जाँचे हम क्या करें, हम 95 साल का हो गया, छेड़खानी का मुकदमा हम कर सकते। बकिया पुलिस क्या कही आपको? बकिया पुलिस कुछ नहीं कहा, सुन लिया, कुछ कहा। आप 95 साल के हो गए, क्या मामला है आपका? सर मेरा नाम हरिओम गुप्ता है, मेरा शादी असमता से हुआ था, हम लोगों के बीच तलाक का मुकदमा सिद्धार्थनगर में पेंडिंग चल रहा है। उसके बाद भी मेरी पत्नी मेरे बाबा के घर पर जो अपने मझले लड़के के साथ अरे मेरे चाचा के साथ रहते थे, उनको आ करके ज़बरदस्ती घर से निकाल दी। वो लोग घर से चले गए, किराए कमरे में रह रहे हैं और बाबा जी मारे मारे फिर रहे हैं। बकिया पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन बकिया पुलिस कुछ नहीं की, बल्कि उन्हीं के लोगों के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा और कई मुकदमे दायर कर दी। मेरे बाबा लगभग 95 वर्ष के हैं और वो मारे मारे फिर रहे हैं। बकिया पुलिस के पास भी मैंने दिया, SP के पास, DIG के पास, सारे लोगों के पास बहुत सारे कंप्लेन गए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है, हम सर परेशान हो गए हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद बाबा घर पर आए तो ताला मारी हुई थी, ताला तोड़कर जब अंदर गए तो देखे कि सारा चाचा का सारा सामान, मेरा मार्कशीट, मेरा पासबुक, पैन कार्ड, जितना सारा सामान था सब उठा ले गई। और उसके बाद उल्टे ही उन घर वालों के ऊपर मुकदमा दायर करा रही है कि ये लोग मेरा सामान चोरी कर लिए हैं। बकिया पुलिस पैसे लेकर के हम लोगों का कोई काम नहीं कर रही, बल्कि उन्हीं लोगों का उसी का मुकदमा दायर कर दे रही है, हम लोगों को बता रही है। कई बार इस तरीके से थाने पर बात किया जाता है, वो ज़बरदस्ती ला करके उसको घर में रखा देती है और कहती है कि वो रहेगी। क्या बकिया पुलिस 95 साल व्यक्ति को छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया, क्या उसकी जाँच की थी? अब सर आप भी बता सकते हैं कि 95 साल का व्यक्ति क्या कर सकता है, वो चलने फिरने में असमर्थ है, फिर भी उनके ऊपर इस तरीके का मुकदमा दायर कर रही है। क्या बकिया पुलिस जांच की थी इस मामले को लेकर? नहीं सर, ऐसा कोई जांच नहीं आया था। उसके बाद भी उनके ऊपर वो हमारी पत्नी जो कहती है उसी को लोग करते हैं, वो पैसा दे देती है, वो चुप करा देती है, हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती।